वेलकम टू क्रैकेड। क्रैकेड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए सबसे अच्छा यूट्यूब चैनल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लग जाएं। और हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी की वजह से हमारे गरीब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो उनकी मदद के लिए इस वीडियो का जो भी रुपया मिलेगा वो उनको डोनेट कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, आपके एक लाइक और एक शेयर की वजह से एक गरीब लोग दो टाइम का खाना खा सकता है। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है प्रतिशत। प्रतिशत होता क्या है, क्या होता है प्रतिशत? अगर सीधी सीधी भाषा में कहा जाए, प्रतिशत का मतलब होता है 100। किसी भी चीज़ की वैल्यू 100 में ज्ञात करना। जैसे हमारी पूरी बॉडी है 100%, ये उंगली होगी कुछ परसेंट, ये हाथ है कुछ परसेंट, लेकिन बॉडी पूरी है 100%। तो हम अंदाज़ा लगाते हैं, इसी को हम मैथ में वैल्यू के हिसाब से चलते हैं, वैल्यू के हिसाब से ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज निकालने के लिए आप कैसे निकालेंगे परसेंटेज? जैसे आपको दिया है 1250 का 30%, कैसे निकालते हैं प्रतिशत? बेसिक से चलते हैं, फिर अच्छे में स्टैंडर्ड में चलेंगे। 1250 का 30%, अगर आप बेसिक से निकालते हैं तो सीधे सीधे का मतलब होता है गुणा, गुणा कर देंगे 1250 गुणे 30 और बटे 100, यही करते हैं, ठीक है। जीरो से जीरो कट जाएगा आपका, 125 तिया 375, ठीक है। अगर हम इसको अपने हिसाब से लगाएं तो 1250 30% निकालना है। अगर हम एक अंक बाद दशमलव लगाते हैं, जैसे हमने लगा दिया जीरो के पहले, बाद से एक अंक पहले अगर हम दशमलव लगाते हैं तो ये वैल्यू हो जाती है 10% की। कोई भी संख्या दी हो उसके बाएं से एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो वो वैल्यू हो जाती है 10% की। और अगर दो अंक बाद दशमलव लगा देंगे, दो अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1% की। तो जैसे आपसे पूछा था 1250 का 1250 का 30%, 10% की वैल्यू कितनी है? 125। 125 गुणे 3 कर देंगे, 30% की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अगर हमको इसके जैसे 3% की वैल्यू निकालनी है तो 1% की वैल्यू है 12.50, 3% के लिए गुणा कर देंगे 3 का, ये हो गई, ठीक है। इसी तरह आप सारे के निकाल सकते हैं। और ये दशमलव आया कहाँ से? ये कोई जादू नहीं है, ये इसी का 100 है जो हम नहीं लेते हैं, वही दो अंक बाद दशमलव लग जाता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आप करके देखिए, जैसे 1565 का 8% और 2450 का 2%, निकालिए। फिर वैसे ही करेंगे, दो अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो ये कितने की वैल्यू हो गई? 1% की। और निकालनी कितनी है हमको? 8 की। गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका, आंसर आएगा आपका 125.2। अब इसमें 2% की वैल्यू निकालनी, भाई 24.50, 1% का मान हो गया गुणे 2, 49 आंसर आ जाएगा इसका। कितना आसान है निकालना परसेंटेज, ठीक है। अब अगली चीज़ में आते हैं, जैसे आपको निकालना है कि आपका कितना प्रतिशत बना, पेपर कोई एग्ज़ाम दिया कितना परसेंट बना। जैसे 100 अंकों की परीक्षा थी उसमें आपके 65 नंबर आए तो आपका कितना परसेंट बना? तो आपको सीधे सीधे समझ में आ रहा है 65%। लेकिन ये निकालते कैसे हैं? जैसे 100 नंबर की आपकी परीक्षा थी 100 की, और उसमें आए आपके 65 नंबर, ठीक है। ये होता है पूर्णांक, टोटल पूर्णांक, यानी कितने का था वो पूर्णांक, और ये आपका प्रातांक। तो हम करते क्या हैं, प्रातांक बटे पूर्णांक इंटू 100, ये 100 से 100 कट जाता है, इसलिए 65%, ठीक है। तो आपका पहला टाइप है
प्रतिशत में कमी या वृद्धि पर आधारित, या परसेंटेज में कमी या वृद्धि होती है। तो पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन में है, देखिए इसको। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की गई तो उसके कम किए गए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि उसका प्रारंभिक वेतन आ जाए। देखो, किसी व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की गई थी, फिर कितना बढ़ा दें उसको कि वो प्रारंभिक वेतन के बराबर आ जाए, जितना पहले था उतना आ जाए। इसको कैसे करेंगे? देखिए, एक तो बेसिक तरीका है, आप उसका वेतन मान लीजिए 100, उसका वेतन 100 था, 100 आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई भी वैल्यू मान सकते हैं, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 1,00,000, 10 करोड़, हम मानते हैं 100। 100 क्यों मानते हैं? क्योंकि 100 का परसेंटेज निकालना बहुत सरल होता है। आप मान कुछ भी सकते हैं लेकिन 100 का परसेंटेज निकालना बहुत सरल होता है। जैसे 100 रुपये का 2% 2 ही होगा, 100 रुपये का 10% 10 रुपये ही होगा, 100 रुपये का 15% 15 रुपये ही होगा, यानी 100 रुपये का जितना परसेंट पूछेगा उतने का उतना ही होगा। ठीक है, तो हमने उसका वेतन माना 100। अब वो कह रहा है कि उसके वेतन में 10% की कमी की गई, तो 100 का 10% कितना होगा? 10 रुपये ही होगा। 10% की कमी कर दी गई तो अब उसका वेतन कितना है? अब उसका वेतन 90 रुपये हो जाएगा। उसका वेतन 90 हो गया। ठीक है, अब इसमें कितने परसेंट की वृद्धि करें कि ये वापस 100 हो जाए? इसमें कितने परसेंट की वृद्धि करें कि वापस 100 हो जाए? आपके ऑप्शन में 10% भी दिया होगा और कई लोग 10% आंसर सही करके चले आएंगे। 10% की वृद्धि नहीं करेंगे, 10 रुपये की वृद्धि हो रही है। 100 से 90 हुआ और फिर 90 से 100 करना है तो 10 रुपये की वृद्धि करनी है, लेकिन ये प्रतिशत में कितना है, कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी इस 90 में कि ये 100 हो जाए, कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी कि ये 100 हो जाए? तो देखिए, 10 रुपये की वृद्धि करनी है तो 10। अब वृद्धि किस पे करनी है? इस पे करनी है ना, 90 पे, तो 90 × 100 काट लीजिए, 0 से 0, 100/9, 1 हासिल, 9 × 9, 11 सही, 1/9%। तो ये है आपका आंसर, 11 सही, 1/9% की वृद्धि करनी होगी, उसमें 10% की वृद्धि नहीं होगी, 10 रुपये की वृद्धि होगी अगर इस तरह चलते हैं। और इसका एक बहुत ही सिंपल तरीका है, नोट कर लें इसको, सिंपल तरीका परसेंटेज से निकालने का, वो कहते हैं हम फ्रैक्शन मेथड। ये है आपका बेसिक मेथड, फ्रैक्शन भिन्न। जो भी आपका परसेंटेज दिया है उसको हम भिन्न में चेंज कर लेंगे, देखें कैसे। जैसे इसमें दिया था कि 10% की कमी हुई, जो 10% दिया है हमको इसको हम भिन्न में चेंज कर लेंगे। किसी भी परसेंट को भिन्न में चेंज करने के लिए 100/100 कर देते हैं, 100 से भाग दे देते हैं। कोई भी परसेंटेज दिया हो, 10% दिया है तो 10/100, 20% दिया तो 20/100, काट लें, 1/10 आएगा। ये आपका भिन्न में चेंज हो गया। ठीक है, तो उसमें अब हम क्वेश्चन इससे सॉल्व करेंगे। उसमें था कि 10% की कमी की गई तो कितने परसेंट की वृद्धि करें। ठीक है, यानी 1/10 से 10% की कमी हुई, 1 की कमी हुई, ऊपर वाला कमी होती है, तो यानी अब कितना हो गया, 1/9 कमी हुई ना, ऊपर वाला घटा लेंगे, 1/9 हो गया × 100 परसेंटेज में चेंज करने के लिए, सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा। काट दीजिए इसको, वही 11 सही, 1/9 आएगा। है सिंपल, नोट करें। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके, एक व्यक्ति के वेतन में 20% की कमी की गई तो उसके कम किए गए वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि करें ताकि पुराना वेतन आ जाए। देखिए, इस पर 20% की कमी की गई, हम वही बेसिक से चलेंगे, अगर 100 रुपये था उसका वेतन, 20% की कमी कर दी गई, कितना हो गया, 80 रुपये हो गया। अब कितने परसेंट की वृद्धि करें, फिर वही रुपए में कितने की, 20 रुपये की वृद्धि करनी है, और किस पे वृद्धि करनी है, 80 × 100, काट दीजिए इसको, ये 4 बार कटेगा और 4 से ये 100 कट जाएगा, 25 बार।
25% की वृद्धि करें। ठीक है, इसको हम फ्रैक्शन से कैसे तोड़ेंगे, देखिए 20% को क्या लिख सकते हैं, 20/100 करेंगे कितना आएगा, 1/5, ये फ्रैक्शन आ गया। कितने की कमी हुई, ये आपकी टोटल वैल्यू है, ये ऊपर वाली आपकी कमी है वृद्धि है, तो कमी हो रही है, तो यानी कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा इनटू 100, 4 से काट दीजिए, 25% आएगा, किसी तरह भी लगाएं। अगला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे, तेल के भाव में 25% की वृद्धि हो जाने पर एक महिला को तेल की खपत करने में तेल की खपत कितने परसेंट कम कर देनी चाहिए। देखिए वेतन तेल एल भाव वाव कुछ भी आ सकता है, क्वेश्चन रहेगा इस तरह। देखिए वो कह रहा है तेल के भाव में 25% की वृद्धि हो गई, तो खपत कितनी कम करे कि पुराना उसके उसके जो घर खर्च है उसमें कोई फ़र्क ना पड़े। पहले मान लीजिए वो 100 रुपये का तेल खरीदती थी, 100 रुपये का तेल खरीदती थी, अब क्या हो गया, तेल का भाव 25% बढ़ गया, 25% बढ़ गया, तो यानी अब तेल का भाव कितना हो गया, 125 रुपये। ठीक है, तो वो अपनी खपत कितने परसेंट कम कर दे कि उसको खर्चा ना बढ़े, उसका खर्चा यानी 100 का 100 ही रहे, तो जाहिर सी बात है तेल कम लेगी, कितना कम लेगी परसेंटेज में वो देख लें, 25 कम ले रही है, अब किस पे कम ले रही है, 125 में इंटू 100 काट दें, 25 × 5 = 125, और 5 से ही कट जाएगा 20 बार, यानी 20% उसको अपनी खपत में कमी करनी होगी। ठीक है, इसको उससे सॉल्व कर लें फ्रैक्शन से, 25% को क्या लिखेंगे, 1/4, क्या हो रहा है, कमी हो रही है या वृद्धि, वृद्धि हो रही है इस बार, तो अब कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, ऊपर वाला जुड़ जाएगा, 1/5 × 100, 5 से काट दें 20% आंसर। तो समझ में आया आपको, अगला क्वेश्चन आप खुद लगाइएगा, स्क्रीन पे है आपके, और आंसर कमेंट में भेजिएगा। तो अगला टाइप है आपका प्रतिशत कमी और वृद्धि दोनों पर आधारित, जब दोनों एक साथ हों, कमी और वृद्धि। क्वेश्चन लिखिए, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटा दिया जाता है, अंततः संख्या में क्या परिवर्तन होता है। मतलब पहले संख्या को 20% बढ़ा दिया गया, कोई संख्या रही होगी, और उसके बाद 20% घटा दिया गया, तो क्या कितने परसेंट का चेंज आएगा संख्या में। देखिए पहले तो बेसिक से लगा के देख लेते हैं, पहले संख्या थी 100 हमारी, 100 संख्या थी पहले, 20% की वृद्धि की गई इस पे, तो 20% इसका निकाल के जोड़ देंगे इसमें, 100 का 20% 20 रुपये, 20 इसमें जोड़ेंगे 120 हो जाएगा। अब क्या किया गया है कि 20% की कमी कर दी गई है इस संख्या में, -20%, तो हम क्या करेंगे, 120 का 20% निकाल के घटा देंगे, हमको संख्या मिल जाएगी। 120 का 20% कैसे होगा, बेसिक से निकालना चाहें या दशमलव लगा के निकालना चाहें, निकाल लें, 00 से कट गए, आया 24, 120 में 24 घटा दीजिए, तो आपकी कितनी संख्या आ गई, 96। तो पहले संख्या थी 100, अब हो गई 96, कितने का डिफरेंट आया, 4 रुपये का डिफरेंट आया, और 400 का कितना परसेंट है, 4% है, यानी संख्या में क्या परिवर्तन आया, 4% की कमी। तो आपका आंसर होगा 4% की कमी। कुछ लोग लगा देंगे कि कोई परिवर्तन नहीं, वो सोच रहे हैं पहले 20% बढ़ रही है फिर 20% घट रही है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि संख्या पहले बढ़ चुकी है ना, तो संख्या हमारी 120 हो चुकी है, अब जो बढ़ी हुई संख्या है उसमें घटाया गया है। ठीक है, ना कि पहले 20 बढ़ा बाद में 20 घटा दिया तो 0, ऐसा नहीं, संख्या बढ़ चुकी है उसमें घटाएंगे। ठीक है, समझ में आया। इसको लगाने के लिए एक फार्मूला भी है, वैसे तो हम फार्मूला बताते नहीं, लेकिन वो आपको बहुत जगह काम आएगा, फार्मूला आपने किताबों में देखा होगा, +-x + -y + -x (y/100। देखिए प्लस माइनस का मतलब क्या है, वृद्धि हो रही है तो हम पॉजिटिव चिन्ह ले लेंगे, प्लस का चिन्ह ले लेंगे,
और अगर कमी हो रही है तो हम माइनस का चिन्ह ले लेंगे। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले किसी संख्या में 20% की वृद्धि की गई है तो हमारे x का मान क्या हो जाएगा, प्लस का 20, वृद्धि हो रही है इसलिए प्लस का 20, ठीक है। फिर उसके बाद उस संख्या में क्या कर दिया गया है, 20% की कमी कर दी गई है तो y का मान कितना हो जाएगा, माइनस 20। अब एक प्लस का है एक माइनस का है तो चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का आएगा, माइनस 20 इंटू 20 अपॉन 100, ठीक है। ये प्लस का है ये माइनस का है, कट जाएंगे, ये 00 से 00 कट गए, कितना आया 2×4, 2×2 = 4, कितना आया माइनस का 4, और ये आंसर आपका परसेंट में आता है, ठीक है। फार्मूले से निकालिए या बेसिक से निकालिए, किसी से भी आप आंसर निकाल सकते हैं, समझ में आ गया। तो एक दो क्वेश्चन और करिए, अगला क्वेश्चन लिखिए, आपकी स्क्रीन पर है। किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 25% की कमी कर दी जाती है, 25% की कमी कर दी जाती है, फिर 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तो पुस्तक के मूल्य में कितना परिवर्तन आएगा, निकालें। पहले 25% की कमी की गई है, फिर 20% की वृद्धि की गई है, कितना परिवर्तन आएगा, देखिए बेसिक से देख लीजिए। पहले पुस्तक का मूल्य था 100, क्या किया गया है, 25% की कमी की गई है, तो 100 का 25% कितना, 25 रुपये ही होता है, 25 घटा देंगे 100 में तो अब हमारे पास कितने रुपए बचे, 75। अब क्या है कि इसमें 20% की वृद्धि की गई है, तो 75 में हम 20% की वृद्धि कर देंगे, 75 का 20% निकाल के उसमें जोड़ देंगे, 75 का 20% निकालिए, ऐसे निकालना है ऐसे निकाल लीजिए, 20 से ये काट दीजिए, कितने बार कटेगा, 5 बार, 5 से ये काट दीजिए, 5 एकम 5 और 2 5 25 15 बार, ठीक है, 15 इसमें घटा देंगे, जोड़ देंगे, वृद्धि हो रही ना तो जोड़ देंगे, 15 जोड़ेंगे कितना आएगा इसमें, 90 हो जाएगा, यानी पहले 100 रुपये था अब 90 रुपये हो गया, कितने के रुपए का घाटा हुआ, 10 रुपये की कमी हो रही है, 10 100 का कितना परसेंट है, 10 ही% है, तो आपका आंसर क्या है, 10% की कमी, समझ में आया। एक्स वाई से निकाल लें इसको, एक्स वाई से निकाल लेंगे, फार्मूला था आपका प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई इंटू प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, एक्स का मान कितना, इस बार पहले कमी हो रही है तो माइनस का 25, फिर वाई का मान कितना, वृद्धि हो रही है 20% की तो प्लस का 20, एक प्लस का एक माइनस का तो माइनस 25 × 20 अपॉन 100, काट दीजिए, 25 से 4 बार कटेगा, 4 से ये 5 बार कट जाएगा, ये 20 माइनस का 25 प्लस का 20 माइनस का 5 बचेगा, यहाँ भी देखिए माइनस का 5 बच रहा है, माइनस का 5 बराबर माइनस का 10%, यानी 10% की कमी, माइनस के चिन्ह का मतलब 10% की कमी, पॉजिटिव चिन्ह का मतलब लाभ, 10% की वृद्धि, ठीक है, समझ में आया। अब इन्हीं क्वेश्चनों में कई तरीके से चेंज कर देता है कि जैसे पहले 20% की वृद्धि हुई फिर पुनः 20% की वृद्धि हो गई तो उसको क्या, आप दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव ले लेंगे, पहले 20% की वृद्धि हुई फिर 20% की वृद्धि हुई तो x का मान भी आपका प्लस और y का मान भी प्लस 20, तो 20 + 20 + 20 × 20 / 100, 00 से 00 कट गया, 2×2 = 4 और 20 × 20 = 40 और 4 = 44% की वृद्धि होगी टोटल, ठीक है। 25% की वृद्धि हो रही है फिर 25% की वृद्धि हो रही है, किसी भी मूल्य में हो सकती है, किसी या चावल का मूल्य आ गया, वेतन आ गया, कुछ भी आ गया, इस तरह लगेंगे सवाल इस टाइप के। इस फार्मूले का बहुत यूज है, जैसे आपके क्षेत्रफल वगैरह वाले आते हैं, अगला टाइप है जो आपका, उसमें इस फार्मूले का यूज होता है, इसलिए ये फार्मूला बताएगा, ठीक है, समझ में आया। तो अगले टाइप में चलते हैं, तो अगला टाइप है आपका क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित, ठीक है। क्वेश्चन लिखें, आपकी स्क्रीन पर है पहला क्वेश्चन। यदि किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 20% घटा दी जाए तो
आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हो जाएगा? उसकी लंबाई 25% बढ़ा दी गई है और चौड़ाई 20% घटा दी गई है, तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा? ठीक है, इसको बेसिक से लगाते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ होती है। ठीक है, लंबाई हम इसको 100 मान लें, लंबाई को, लंबाई 100 थी पहले, चौड़ाई कितनी थी वो भी 100 थी, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 10,000। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि उसकी लंबाई 25% बढ़ा दी गई है, तो अब 100 का 25% कितना होता है? 25 ही होता है, तो अब लंबाई कितनी हो गई? 125। और चौड़ाई 20% घटा दी गई है, 100 का 20% 20 ही होता है, तो लंबाई कितनी हो गई, चौड़ाई कितनी हो गई उसकी? 80 हो गई। गुणा कर लें, उसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? करें 0 0 0, 10,000 ही आएगा। यानी उसका पहले क्षेत्रफल 10,000 था, अब भी उसका क्षेत्रफल 10,000 है, तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जीरो परिवर्तन, कुछ भी चेंज नहीं होगा। उसकी अगर लंबाई 25% बढ़ा देंगे और चौड़ाई 20% घटा देंगे तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये था बेसिक, फार्मूले से ही लगा सकते हैं इसको, जो हमने बताया था एक्स वाई वाला। एक्स की वैल्यू प्लस का 25, वाई की वैल्यू माइनस का 20, एक प्लस का एक माइनस का, तो चिन्ह माइनस का, 25 इंटू 20 अपॉन 100। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा? प्लस का 5 बचेगा, माइनस यहाँ कितना बचेगा, काट दें इसको, 4 बार 4 से कट जाएगा, 5 बार, माइनस का 5 बचेगा, प्लस का 5 माइनस का 5 0, कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है, समझ में आया? तो अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अगर एक चौकोर के फर्श को 25% बढ़ाना हो तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की बढ़त करनी पड़ेगी? उसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट बढ़ाएं कि उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाए? 25% बढ़ जाए। सही लगा सकते हैं सीधे सीधे, उसके क्षेत्रफल में हमको 25% की वृद्धि चाहिए ना, मतलब फर्श के क्षेत्रफल में 25% की वृद्धि कर रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, x का मान भी आपका 25 और y का मान भी 25, वृद्धि हो रही है दोनों प्लस प्लस के, रख दें 25 प्लस 25 प्लस 25 इंटू 25 अपॉन 100। 25 से ये कट जाएगा, 4 बार 4 से काटेंगे आप, 6.25 बार, 25 25 50, और प्लस 6.25, 56.25% की वृद्धि करनी होगी उसके क्षेत्रफल में। ठीक है, समझ में आया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इन सब में ट्रिक भी लगती हैं, लेकिन ट्रिक नहीं लगानी है आपको, बहुत सारी ट्रिकें होती हैं, ट्रिक कब तक याद रख पाएंगे आप, भूल जाएंगे, बहुत सारी ट्रिक होती हैं। कॉन्सेप्ट समझिए, आंसर निकालिए, 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगता किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, अगर आप कॉन्सेप्ट से चलते हैं तो। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है आपकी, वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाती है, वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? इसको कैसे करेंगे? देखिए, इसका बेसिक है, बेसिक से करना चाहते हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या हम पहले कुछ भी मान सकते हैं, हम 7 मान लेते हैं, 7 इसलिए मान रहे हैं 22/7 से, 7 से कट जाएगी। ठीक है, तो पहले हमने माना त्रिज्या थी 7, तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7, आर का मान 7 था, 7 से 7 कट गया, कितना आया? 154। ठीक है, ये पहले की त्रिज्या थी उसकी, अब वो कह रहा है कि उसकी त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए, यानी 100% बढ़ा दी जाएगी तो त्रिज्या कितनी होगी? 7 का 100% कितना होगा? 7 ही होगा, तो 14 हो जाएगी। अब 100% बढ़ा दी गई है ना, तो अब उसकी त्रिज्या हो गई 14, तो 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 7 से काट दें, 2 बार कटेगा, 44 × 14 बराबर 616। ठीक है, अब क्या था,
कि पहले उसकी त्रिज्या थी 154, अब हो गई 616, तो कितनी बढ़ गई है, हमको वृद्धि ही तो निकालनी है। ठीक है, तो निकाल लें, 616 में 154 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 और इधर आएगा आपका 6 और यहाँ 1, लेकिन हमको परसेंटेज में निकालना है तो कैसे करेंगे, 462 बटे प्रारंभिक वैल्यू 154 गुणे 100, 154 से काटेंगे, 3 बार कटेगा, यानी 300% की वृद्धि हुई है उसके क्षेत्रफल में, 300% की वृद्धि होगी। ठीक है, अब इसको समझ लें उससे फार्मूले से, अगर आप फार्मूले से लगाएंगे तो आर स्क्वायर होता है और त्रिज्या आपकी 100% बढ़ रही है, यानी आप जो 100 लेंगे वो एक्स का मान भी 100 और वाई का मान भी 100। ठीक है, तो एक्स का मान प्लस 100 वृद्धि हो रही, वाई का मान भी प्लस 100, प्लस 100 इंटू 100 अपॉन 100, 100 से 100 कट गया, कितने 100 हैं, 300। सीधे डायरेक्ट आंसर, वो लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, समझ में आया है तो अगला क्वेश्चन करें फिर। अगला क्वेश्चन है आपका, एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, क्षेत्रफल की जगह आयतन है, आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। अब आयतन आ गया आपका, आयतन का मतलब क्या होता है, क्यूब होता है। ठीक है, उसकी प्रत्येक भुजा में कितने परसेंट की, 50% की वृद्धि की गई थी, तो अब क्या करेंगे आयतन निकालने के लिए, पहले हम दो एक्स वाई वाला जो फार्मूला है वो हमारा सिर्फ दो में लगता है, एक्स और वाई में, लेकिन यहाँ आयतन के लिए तीन हो गया एक्स वाई जेड। ठीक है, तो क्या करेंगे, या तो हम फार्मूला बनाएं, नहीं तो हम एक्स वाई को पहले लगा लें और फिर बाद में उसके साथ जो लास्ट वाली वैल्यू बची है उसको कर लेंगे। तो 50% की पहले वृद्धि हो रही है, दो ले लें 50-50 के, प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 इंटू 50 अपॉन 100 काट दें, ये कितने बार कटेगा, 50 से दो बार, ये 25 बार, ये आ गया आपका 125। ठीक है, ये तो आपका निकला क्षेत्रफल। अब आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, जो एक 50 बचा था उस 50 का इसके साथ फिर से एक्स वाई लगाना पड़ेगा, तो आपका एक्स की वैल्यू 125 प्लस वाई की वैल्यू 50 प्लस 125 गुणे 50 अपॉन 100। ठीक है, काट दें इसको, 50 से काटेंगे कितने बार, दो बार, दो से ये काटेंगे आप तो 6 और 2 और 62.5 ये आएगा, सबको जोड़ दें कितना आ जाएगा, ये आएगा 175 और 175 प्लस 62.5 जोड़ दें, 0.5 527 और 7 6 13 लगी एक 237.5% आंसर आपका। ठीक है, आयतन में उसके इतने परसेंट की वृद्धि होगी। और लगाइए सवाल, आपको दे दिए सवाल, घर से लगाइएगा, कमेंट में आंसर दीजिएगा इसके। इसके बाद आपके बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अब वो अगला वीडियो में आएंगे, चुनाव वाले होंगे, परीक्षा में पास फेल होगा, आय व्यय होगा और संख्या, ये तीनों टाइप, चारों टाइप आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो मिस ना करें और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।